हाँ जी, हेलो हेलो गाइस। तो हमारा ये कंस्ट्रक्शन का काम हुआ पूरा, और ये है लक्की बाबू। ये क्या कर रहे हैं आप? सोच रहे हैं थोड़ी सी बारिश करा दिया जाए। अरे इस बारिश से थोड़ी होगी भगवान जी। तो अरे वो बिस्तर गीला हो रहा है। कोई बात नहीं, हम आपको भी गीला कर दे। अरे नहीं नहीं, मेरे को मत गीला करिए। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हो गया है, बीम ढलाई पूरी हो गई है, और मिस्त्री लोग बोले थे कि इस पर पानी गिरा करके तर करके इस पर ये जूट वाली बोरा बिछाने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस पर जूट की बोरा बिछाया गया है ताकि नमी देर तक रहेगी। ये देख सकते हैं, ये हस्बैंड और लक्की बाबू। अरे यार, कुल खीरा अकेले अकेले खा जाएंगे क्या? मुझे भी चाहिए। देखिए गाइज, सभी लोग कहते हैं कि जीवन साथी जो भी होती है अर्धांगिनी, पति में उसका आधा हक होता है, जो भी खाते हैं वो खिलाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड सारा कुछ सारा कुछ अपने खा जाते हैं, मेरे को नहीं देते हैं। कहने पे वीडियो में थोड़ा सा शर्मा के तो मेरे को दे रहा है। खीरा हमारे प्लाट में लगा था, उस वाले प्लाट में, सामने आपको मैं दिखाई चुकी हूँ कि वो सब प्लाट हम लिए हैं साग सब्जी बागवानी करने के लिए, तो उसी में ये खीरा फला था। ये देखिए जूठा करके दिए हैं। कोई बात नहीं, जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। तो गाइज, ये हमारा नीचे का बीम ढलाई का काम पूरा हो चुका है, और ध्यान रखें कि बीम ढलाई जिस दिन हो उस दिन पूरा दिन साथ रहना पड़ता है लेबर और मिस्त्री के, नहीं तो जो ये बीम ढलाई है कहीं 7 फीट, कहीं 8 फीट, कहीं 9 फीट, ऐसे मतलब करते हैं, साइज एक बराबर नहीं रखते हैं, तो इसलिए पूरा दिन रह के कराना पड़ता है। और ये जो मेरे बॉयफ्रेंड दिख रहे हैं, इन्होंने कल दिन भर धूप में रह कर के मिस्त्री लोग के साथ ये सारा काम कराए, और शाम को इनकी तबीयत खराब हो गई। शाम को तबीयत खराब हो गई इनको, पूरा एकदम धूप लग गया था। क्या क्या हो रहा था बिट्टू? हेलो, हाँ, बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा इनको दर्द लग रहा था, कोई जैसे चेहरे पे आग सेक रहा है। तो धूप में रहने की आदत नहीं है इसलिए ऐसा हो गया था। तो ये है हमारे लक्की बाबू, इनका कुछ घरेलू नुस्खा काम आया। लक्की बाबू, क्या आपने किया? मैंने यूज किया सोडियम का, और सोडियम मैंने निकाला किससे? नमक से, और उस नमक वाले पानी में पैर डलवा के मामा को बैठा दिया, जिससे बिल्कुल जितनी भी थकान थी सारी नीचे चली गई। न बिट्टू, आपकी थकान सारी नीचे चली गई? कैसा फील हो रहा था? पैर ठंडे पानी में पड़ा था, और इनको सर तक फील हो रहा था कि एकदम पूरा ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है ना जी। कह रहे थे ऐसे ही। दो मेजुका इसको दिखाइए लोगों को, दो मेजुका मर गए, इसमें जिंदा है तो इनको बचाया जाए या क्या किया जाए? अरे हाँ यार, इसमें तो दो मेढक हो। हाँ जी सतपाल भाई, इसमें दो मेढक गिर गए हैं, ये लैट्रिन का गड्ढा खोदा गया है इसमें, अचानक कुछ न कुछ एक दिन और मेढक गिर गया था, और आज भी मेढक गिर गया है। अब इसको निकाला जाएगा, और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा घर का काम अब हो गया है। आज काम बंद है, ये कल शाम को काम पूरा हुआ था, आज बंद है। और इसको मिस्त्री लोग ने बोले थे कि 4 से 5 बार तरी देने के लिए, तो ये पूरा बीम देख रहे हैं तर हो गया है पानी लेकर के। मैं घर से थोड़ा लेट आई हूँ यहाँ पे, ये लोग पहले ही मामा बहनें दोनों लोग तर कर दिए हैं। और ये रहा हमारे हस्बैंड का बिस्तर। शाम को यहाँ सांड बहुत भारी भारी आते हैं, बड़े बड़े, तो यहाँ पे रहते हैं कि ये हमारा जो भी काम हुआ है इसको ख़राब ना कर दें। 12 बजे तक यहाँ पे रहते हैं, हम भी आ जाते हैं साथ में, दोनों लोग यहाँ पे बातें वातें करते रहते हैं टाइम पास करके। फिर जब सांड आ जाते हैं तो उनको दूसरे तरफ ले जा करके, उसके बाद फिर हम लोग घर जाके आराम से सोते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा ब्लॉग रहा गाइज। ये ब्लॉग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।